हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 3 क्लास 5 मैथमेटिक्स वर्कशीट एंड दिस वर्कशीट विल हेल्प यू टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर इन अ वेरी परफेक्ट मैनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गिवन बिलो. सो एज यू नो व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स. पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स को सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मार्क करना पड़ता है कौन सी साइड्स हम ऐड कर रहे हैं. जैसे देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की 2 साइड्स हैं तो हमने 2 बार लिख लिया. 4 की 2 हैं, 2 लिख लिया. फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि 4 इधर 4 इधर, तो 4 का हमने ऐसे लिख लिया. देन सबको ऐड कर देंगे, यू विल गेट 22 सेंटीमीटर एज द पैरामीटर. सिमिलरली हेयर ऑल्सो हम लिखना सबसे पहले बड़े साइड से शुरू करते हैं. 5 + 4 3 3 2 1 ऐसे काउंट कर लेंगे कितने सेंटीमीटर्स की कितनी साइड है, आपकी बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी. सी वाला देखेंगे, 7 की 1 साइड है, 3 3 की 2 साइड 3 साइड है तो हमने 9 लिख दिया. 4 की 3 साइड्स है, 4 4 और 2 2 भी 4 हो गया तो 3 हो गया, टोटल आ गया 28 सेंटीमीटर. सिमिलरली हेयर ऑल्सो सबसे पहले हमने 6 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 3 + 3 6 हो गया, फिर 2 2 2 ये भी 6 हो गया और 1 हो गया. सो द टोटल इज 24 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है हमारा, देखिए कैसे करेंगे. अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले काउंट कर लेंगे 2 सेंटीमीटर की कितनी साइड्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 8 16, हम 16 लिख लेंगे. फिर 3 की देख लेते हैं कितनी साइड्स है. 1 2 3 के सिर्फ 2 साइड्स हैं तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे. और 1 की कितनी साइड्स हैं, 1 और 2, सिर्फ 2 है तो ऐसे हमारा काम और भी ईजी हो जाता है. तो 16 में 6 प्लस कर देंगे 22 हो गया, 22 में 2 प्लस कर देंगे 24. सो दिस इज 24 सेंटीमीटर. एक के 7 हमने पहले लिख लिया, फिर 5 की 2 साइड्स थी हमने 10 लिख दिया. 4 + 4 = 8 एंड 3 हेयर 6 एंड देन 1, सो टोटल इज 32 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द आउटलाइन शेप्स विच आर गिवन इन द स्क्वायर ग्रिड. तो ये जो शेप्स हैं इनको हम बॉक्स की हेल्प से काउंट करते हैं. एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में निकलता है. तो क्योंकि इसने 1 का साइड बता रखा है, ये 1 है, तो आपको एरिया निकालना है, मतलब अंदर का जगह निकालना है कितने बॉक्सेस हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं. जैसे इसमें देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन हाफ एंड हाफ 11, हाफ एंड हाफ 12 13, सो दिस विल बी 14 सेंटीमीटर. इसमें देख लेंगे हम, आप इसको ऐसे डैश लगा के कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए आपको और हेल्प होगी अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर पाए तो यहाँ क्लियर हो जाता है 1 2, इन दोनों को मिला के 3 4 और 4.5, सो दिस इज 4.5. सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमेशा क्योंकि ये आपसे एरिया पूछ रहे हैं. यहाँ पे भी आप पेंसिल से डैश डैश लगा देंगे और फिर काउंट कर लेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. पहले कंप्लीट स्क्वायर को काउंट करेंगे देन हाफ को. याद रखेंगे ये कभी भी जो एरिया हम निकालते हैं यहाँ पर, ये हमेशा अप्रॉक्स होता है, कभी भी कन्फर्म एरिया आप नहीं निकाल पाएंगे इसका, हमेशा अप्रॉक्स से निकलता है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14.5. यू कैन से 14 और 15 भी आप लिख सकते हैं अगर हमारा छोटा थोड़ा बहुत छूट जाता है तो. इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते. 9 है ये, देखते हैं हमें 9 है कि नहीं. देखिए ये दोनों मिला के 1 हो गया, ऐसे ही आपका ये दोनों मिला के 2 हो गया, ये दोनों मिला के आपका 3 हो गया, ये दोनों मिला के आपका 4 हो गया. तो 4 ये हो गया और 4 अंदर है तो 4 + 4 = 8 हो गया. तो आप लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली दिस इज़ वेरी इजी, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ है, 1 2 3 3 इस तरफ है, तो 6 × 3 = 18, सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर भी हम ऐसे ही डैश बना के और काउंट कर लेंगे, दिस यू विल डू इन योर होमवर्क. आगे बढ़ते हैं. पिंटू हैज़ ड्रॉन 4 शेप्स विद 2 साइड्स, कंप्लीट ईच ऑफ द शेप्स टू मेक 2 मोर साइड्स सच दैट इट्स एरिया इज एज शोन बिलो. तो जितना आपको बोला है उतना ही आपको एरिया लेना है.
आप क्या करेंगे, पहले इसको हाफ को काउंट कर लेंगे, हाफ में आपका कितना बनता है उसको डबल कर लेंगे। ये 12 है, जैसे 12 बनाना है हमें, तो हमने देख लिया कि हमारा हाफ में कितना बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 12 हो गया, हमने ऐसे ही ड्रॉ किया। अगर आपको ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए तो आप दूर तक ले जाएंगे इसको, और अगर आपको कम चाहिए तो बिल्कुल पास तक। सिमिलरली यहाँ भी दो तरीके दिखाए हैं मैंने। सो हेयर यू ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, ये 8 बोला है हमसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6, 7, 8, आप यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपका इतने में अगर 8 हो जाता है तो, नहीं तो आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। सिमिलरली हेयर यू हैव टू डू। नेक्स्ट है, सम शेप्स आर गिवन बिलो, लुक एट द देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो पेरीमीटर आपको निकालना है यहाँ पर, तो पेरीमीटर जो है वो आपका हमेशा या तो सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए दो मैंने आपको निकाल के दिखा रखे हैं, एक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किसी भी एक साइड से आप मार्क करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है, इसलिए पेरीमीटर में कभी भी स्क्वायर नहीं लगेगा। इसका भी आप काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सो दिस इज़ 14 सेंटीमीटर एंड रेस्ट यू विल डू। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चंस कर पाएंगे आप। सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल, नाउ द क्वेश्चन इज विच शेप हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर। तो सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका दिख रहा है आपको, यहाँ पे सबसे बड़ा पेरीमीटर इसका है 18 और इसका है, तो आप लिख देंगे मैक्सिमम पेरीमीटर डी एंड ई, इट्स पेरीमीटर इज 18। विच शेप हैज़ मिनिमम, सबसे छोटा किसका दिख रहा है आपको, ए और बी का, ए और बी का, जो कि 14 है। सो यू विल सॉल्व दिस, द पेरीमीटर ऑफ डी इज, डी का पेरीमीटर 18 है, इट इज डैश देन द पेरीमीटर ऑफ ए, मोर, इट इज मोर देन, विच इज 14, ए का 14 है। इन ईच फिगर कवर हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो कितने स्क्वायर आप कवर कर रहे हैं, दैट इज योर एरिया। इन ईच फिगर कवर हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, हर फिगर में कितने, तो सबके अलग अलग है क्योंकि सबका एरिया अलग अलग है। ओके, जैसे हम दिखा देते हैं आपको कि इसका एरिया कितना होगा। अब इसमें आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कवर किए, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने स्क्वायर्स आप कवर करेंगे, इसमें कितने कवर किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका भी एरिया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लाइकवाइज आप सबका एरिया निकाल लेंगे। ड्रॉ 4 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स, तो 5 स्क्वायर से आपको अलग अलग पैटर्न्स बनाने हैं। कैसे भी बना सकते हैं आप, देखिए मैंने 3-4 बना के दिखाए हैं, और भी आपके दिमाग में आए तो यू कैन ड्रॉ दिस वेरी इजी। As you can see, ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। आपको सिमिलर पैटर्न्स को ड्रॉ करना है, बहुत ही ईजी है, आराम से ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरह के पैटर्न्स आपके एग्जाम में भी आते हैं। नाउ मेक 4 पैटर्न्स विदाउट एनी गैप्स, तो इस तरह के पैटर्न्स जो बिना गैप्स के बने हुए हैं, इस तरह के पैटर्न्स आपको ड्रॉ करने के आ सकते हैं। तो एक बहुत ही ईजी चैप्टर था ये, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू, कीप स्टडिंग।